शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी शैक्षणिक संस्था सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज द्वारा विद्यार्थियों के आत्म आकलन हेतु हर रविवार को इस श्रृंखला का आयोजन किया जाता है। इस रविवार को भी विद्यार्थियों के आत्म आकलन हेतु टेस्ट श्रृंखला का आयोजन किया गया। टेस्ट के दौरान विद्यार्थियों का उत्साह वर्धन करने पहुंचे संस्था के पूर्व छात्र विकास शर्मा ने विद्यार्थियों का उत्साह वर्धन करते हुए उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने के टिप्स दिए। सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज में प्रति सप्ताह टेस्ट श्रृंखला विद्यार्थियों के आत्म आकलन हेतु आयोजित की जाती है और प्रत्येक सप्ताह जो उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी हैं उनको उत्साहवर्धन करने और उन्हें सम्मानित करने संस्थान के ही पूर्व छात्र जो कि आज विभिन्न जगहों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं उन्हें आमंत्रित किया जाता है। जी हां, बता दें सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज ने अनोखी पहल की शुरुआत की है। इस पहल के तहत सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज में जो पूर्व में अध्ययन कर चुके हैं, पूर्व में कोचिंग यहाँ पर कर चुके हैं और आज वर्तमान विभिन्न स्थानों पर अपनी सेवाएँ दे रहे हैं उन्हें आमंत्रित करके विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन किया जाता है। इस सप्ताह की टेस्ट श्रृंखला में उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित करने और साथ ही विद्यार्थियों का डाउट्स क्लियर करने पूर्व छात्र विकास शर्मा जो कि एक मोटिवेशनल स्पीकर भी है वो यहां पर प्रमुख रूप से पहुंचे। विद्यार्थियों से क्लास में जाकर विकास शर्मा ने सीधा संवाद किया और उनके डाउट्स क्लियर किए, साथ ही विद्यार्थियों में गजब का उत्साह भरा। विद्यार्थी भी यहां पर उत्साहपूर्वक विकास शर्मा की बातें सुनते और उनके बताए हुए टिप्स पर अमल करने का संकल्प लेते नजर आए। रीजन के हम लोगों के टाइम पर डिस्ट्रैक्शन कम था तो इसलिए सक्सेसफुल होने में थोड़ा सा टफनेस होती, सब लोग वैसे ही पावरफुल थे, सब उसी मोड में तैयार करते थे ना। मतलब एक बार पढ़ाई करने बैठे ना तो हर बच्चा 5 घंटा 8 घंटा 9 घंटे की स्पीड मार देता। आज आप देखेंगे तो आज सारे बच्चे वो नहीं करते, आज डिस्ट्रैक्शन है, आज मोबाइल है, आज टीवी है, डिस्ट्रैक्शन है। तो आज सक्सेस के लिए बहुत सिंपल है, जो बैठ गया वो आगे बढ़ जाएगा। पहले का सब बैठते थे तो हम आगे नहीं बढ़ पाते थे, कॉम्पिटिशन हाई था। आज कम लोग बैठते हैं तो जो डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ वही आगे बढ़ जाएगा। खेल लाइट डिसिप्लिन का है, बस बैठ गए तो सक्सेस के बहुत आसान है मुझे लगता है। इट इज़ द मोस्ट ईजिएस्ट टाइम के समय में अपने ही संस्थान में मुख्य अतिथि बनने का अनुभव विकास शर्मा ने इस तरह बताया। साथ ही संस्थान के डायरेक्टर चिरंजीव जैन ने भी इस पहल का उद्देश्य बताया। मेरा नाम डॉक्टर विकास शर्मा है और मैं 2004 बैच मैंने सचदेवा में रहते हुए मैंने यहाँ अपनी पढ़ाई की थी, 12th बैच। बहुत बहुत अच्छा लगा। देखा जाए तो लाइफ का जो पहला 17 साल का जो पड़ा होता है उसमें हम मेडिकल की तैयारी करते हैं और उसके 17-18 साल के बाद मैं यहाँ पर आ रहा हूँ। मतलब ऐसा लग रहा है कि लाइफ का वो सेकंड फेज को एंट्री करके मैं यहाँ पर आया हूँ। तो वही बचपना जो हम जिस अवस्था में थे उसी अवस्था को मैं 18 साल बाद जी रहा हूँ। ऐसा लगा कि इनको जैसे हमें गाइडेंस मिला तो हम संवर गए, तो बच्चों को गाइडेंस की बहुत ज़रूरत है, अगर गाइडेंस नहीं मिलेगा तो कैसे संवरेंगे। बहुत ही अच्छी थी। मुझे अपने कोचिंग के दौरान की 2-3 चीज़ें तो बिल्कुल याद है। हमें पढ़ाने वाले उसमें हमारे टीचर भी हुआ करते थे, जैसे जैन सर के साथ भी मेरा अनुभव ये रहा कि खास तौर पर जब उस समय हमें दिक्कत थी पढ़ने के लिए, बहुत सारे क्वेश्चन थे, ऐसा नहीं था कि घर वाले आते थे कि वो हमारा एडमिशन कराएं, खुद से आकर के पहली बार हमने यही हेल्प मांगी थी कि हमें पढ़ाई करना है। और उस समय चाहे वो आर्थिक रूप से ही क्यों ना हो उस समय हेल्प की गई थी। हमारे साथ मेरे 2 दोस्त भी आए थे, हम लोगों ने यहाँ पर एडमिशन लिया, तो काफ़ी अच्छा अनुभव रहा। टीचर लोगों के साथ अनुभव बहुत अच्छा रहा। उस समय एक सिंह सर थे, मुझे लगता है कि मेरे लाइफ में सिंह सर, ए के सिंह सर का बहुत बड़ा रोल रहा है। उन्होंने ही केमिस्ट्री पढ़ना सिखाया, लाइफ में पहली बार उनसे पढ़ा, उसके बाद केमिस्ट्री में ही मेरे हाईएस्ट मार्क्स भी थे उस समय के, लगभग 90 मार्क्स स्कोर किया था मैंने 100 में, ऑल थैंक्स टू ए के सिंह सर। श्रीवास्तव सर को बहुत परेशान करता। जैन सर को मैंने शुरू से देखा कि जैसे कि कोई कोई संस्था रन होती है तो केवल हमें गुरु और टीचर की ही ज़रूरत नहीं होती है, हमें एक हाईली मोटिवेशन की भी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि एक एक चीज़ को पकड़ कर कम कभी आ नहीं जा सकते। तो मैं लाइन तो नहीं, लेकिन मैं हमेशा, मुझे याद है कि जब सेक्टर 8 में हम लोग की जो वहाँ पर टॉप 20 के जो अनाउंसमेंट, जो आज मैंने देखा कि टॉप 20 के अनाउंसमेंट रहते थे, तो जब स्टेज पर खासतौर पर वो जब अलग अलग स्पीकर को लेकर आते थे, अलग अलग व्यक्ति को संबोधन करते थे, वहाँ पर बुलाते थे, तो वो जो पीरियड होता था वो संडे को दोपहर को करीब 11-12 बजे का वो टाइम रहता था। तो उस समय जो हर संडे को जो टॉप 20 के रैंक होते थे उन्हीं के द्वारा बोला जाता था, जैसे आज भी मैंने देखा कि टॉप 20 सर ने कहा। तो वो जो स्पेशल टाइम पर हमें ऐसा महसूस होता था कि हमें ऐसा करना है, रेगुलरिटी, काश मैं यहाँ से वहाँ हूँ। हाँ,
क्यू से लेके स्टेज तक का सफर 20 साल लगा। 20 साल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वही वो पॉइंट रहता था जहाँ पर सारे स्टूडेंट के बीच में हमारा नाम आता था, वो प्राइज मिलता था उस समय, तो ऐसा लगता था टॉप थ्री में नाम आए तो जो फीलिंग होती थी, जस्ट वो एक क्रिएटिविटी थी उस समय, जो आजकल जो इंस्टीट्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं हम लोगों ने वो 20 साल पहले देखा कि कई लोगों के साथ में, तो वो एक बहुत बेस्ट पार्ट रहा है मोटिवेशन का हमारे लाइफ में। देखिए आज हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर विकास शर्मा हैं, जो 2004 बैच के स्टूडेंट रहे हैं और वर्तमान में वो हेल्थ साइकोलॉजिस्ट हैं और एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं। तो आज हमें ये लगा कि हम अपने बच्चों को एक ऐसे स्पीकर के सामने भी उनको सुनने के लिए रखें कि जो मोटिवेशन की बातें करता हूँ। तो आज डॉक्टर विकास शर्मा उपस्थित हैं इन बच्चों को मोटिवेट करने के लिए। बच्चों को किस तरह का इन्होंने टिप्स दिए और बच्चों ने किस तरह इंजॉय किया? बच्चों को इन्होंने मूलतः ये बताया कि भाई परीक्षा के साथ साथ जो खान पान और अपना जो लाइफस्टाइल है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो एज ए ह्यूमन बीइंग अगर जो इंस्ट्रूमेंट है, जो ह्यूमन बीइंग हम खुद हैं, जो हमारा शरीर है, जो हमारा दिमाग है, अगर ये स्वस्थ नहीं रहेगा तो हम वो 3 घंटों में कैसे अच्छा काम कर पाएंगे। ये जो आपके साथ आपकी जो पहल है, यहाँ पर चीफ गेस्ट वही है पूर्व छात्र, तो अभी जो प्रेजेंट के जो छात्र हैं वो किस तरह का इनको मार्गदर्शन मिलता है और वो यानी कितना उत्साह उनमें देखा जाता है? देखिए क्या होता है कि जो पूर्व छात्र हैं और सफल छात्र हैं उनको देखकर जो अभी का छात्र है वो कम से कम इतना आसान्वित हो जाता है कि नहीं सफलता मिलती है। अभी क्या है कि पूरे समाज में जो एक निराशा बच्चों के अंदर जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं कहीं ना कहीं थोड़ा इस आस्पेक्ट में रहते हैं कि पता नहीं होगा नहीं होगा, दुविधा में रहते हैं, संशय में रहते हैं, तो उस संशय को और दुविधा को दूर करने के लिए ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर की ज़रूरत रहती है। बहरहाल उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को विकास शर्मा ने सम्मानित किया। ACN News के लिए शाहिन खान की रिपोर्ट।